प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम व्यंजन की चौथी लाइन पढ़ना सीखेंगे। व्यंजन त, थ, द, ध, न। त से तस्वीर, त से तवा, त से तबला, त से तराजू, त से तकिया, त से तरबूज, त से तारे। व्यंजन त से तितली, त से ताला, त से तोता, त से तालाब, त से तौलिया। तो बच्चों, आइए आज हम व्यंजन त से संबंधित इस वर्कशीट को देखते हैं और व्यंजन त को अच्छे से समझते हैं। व्यंजन त होता है तबला, त से तरबूज, त से तकिया, त से तवा, त से तराजू। तराजू जिसमें हम किसी सामान को तोलते हैं। हमने लिखा है व्यंजन त में रंग भरिए। अब हमने यहाँ पर काफ़ी सारे व्यंजन आपके सामने सर्किल में लिखे थे। अब हमने इसमें व्यंजन त देखना है और त में ही सर्कल करना है। पहला है अक्षर त से तबला। पहला अक्षर हम यहाँ देखेंगे और यहाँ पर हम व्यंजन देखेंगे, ये त है, तो हम इस त में कलर करेंगे। नेक्स्ट है त से तरबूज, लेकिन यहाँ हमने लिखा है ट से टमाटर, तो हम इसमें कलर नहीं करेंगे। त ये है और त यहाँ पर लिखा है। पहला व्यंजन चेक करिए और व्यंजन त में कलर करिए। इसके बाद हमने लिखा है व्यंजन ठ, ठ से ठठेरा, और यहाँ लिखा है त से तकिया, तो ये ठ और त मैच नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट सर्किल में व्यंजन त है, इसको आप कलर करेंगे। नेक्स्ट है त से तवा, ये है व्यंजन ड, ड से डमरू होता है, ये त है, ये दोनों मैच नहीं होते हैं, तो हम इसमें सर्किल में कलर करेंगे। ढ से ढक्कन, नेक्स्ट व्यंजन ढक्कन है, और इसके बाद हमने लिखा है त से तराजू। पहला व्यंजन चेक करेंगे, ये त है, इसमें आप कलर करेंगे। तो इस तरह की वर्कशीट आप अपने मम्मी डैडी की हेल्प से घर में बनाइए और व्यंजन त का अभ्यास करिए। इसके बाद अब हम फाइव लाइन की कॉपी में व्यंजन त लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन से स्टैंडिंग लाइन, फोर्थ लाइन पे लाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाइए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन पे डॉट बनाएंगे और सेकंड लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाइए, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। रेड लाइन पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, रेड लाइन पे ड्रॉ नहीं करना है। ब्लैक लाइन या ब्लू लाइंस जो आपकी कॉपी में है, उसी पे हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, और थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर से हम यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बनाते हुए एक कर्व फोर्थ लाइन पे लाएंगे। ये बन गया व्यंजन त। थर्ड लाइन से जस्ट ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, कर्व लेते हुए फोर्थ लाइन पे लाएंगे त से तबला, त से तकिया। थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर स्लीपिंग लाइन, कर्व लेते हुए फोर्थ लाइन पे लाएंगे त से तवा, त से तराजू। थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाते हुए कर्व लेते हुए फोर्थ लाइन पे लाएंगे त से तरबूज,
सब बच्चे बोल के लिखेंगे, त से तकिया, त से तबला। थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर स्लीपिंग लाइन, कर्व लेते हुए फोर्थ लाइन पे आएंगे, त से तवा, त से तबला, त से तरबूज। थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर स्लीपिंग लाइन, कर्व लेते हुए फोर्थ लाइन पे आएंगे, त से तकिया। तो ये था व्यंजन त। आप भी अपनी 5 लाइन की कॉपीज में सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और बोल बोल के लिखेंगे। आज की कक्षा में हमने व्यंजन त को जाना है। व्यंजन त से होता है त्यौहार। बच्चों, आज हम हमारे प्रमुख त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे व चित्र द्वारा उन्हें जानेंगे। आप भी अपनी मैम के साथ त्यौहारों के नाम बोलिए व उन्हें याद करने का अभ्यास कीजिए। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस।